आज की वीडियो होने वाली है स्मार्ट गा के 1.1 लाइट वर्जन के ऊपर, जो कि फ्री फायर की OB44 के लिए और लो एंड पीसी के लिए बेस्ट वर्जन और बेस्ट एमुलेटर होने वाला है। तो आज की वीडियो में मैं आपको जो स्मार्ट गागा देने वाला हूँ, इस एमुलेटर को आप 1GB या 2GB रैम में आराम से यूज कर सकते हो। और उसके अलावा अगर आपके पीसी में कोई भी ग्राफिक्स कार्ड नहीं लगा हुआ तो आप इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के ऊपर ही अच्छे खासे FPS में फ्री फायर को प्ले कर सकते हो। और इस एमुलेटर में आपको फ्री फायर मैप प्री इंस्टॉल देने वाला हूँ, जिसके अंदर आपको अच्छे खासे FPS भी देखने को मिलेंगे, लो भी लैग कम देखने को मिलेगा और आपको कहीं पर भी स्टक वाली प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक लाजमी देखना। तो बात कर लेते हैं इस एमुलेटर को डाउनलोड कैसे करना है। डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको हमारी न्यू वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सिंपली उस वेबसाइट पे जाके इस एमुलेटर को डाउनलोड कर सकते हो। और इंस्टॉल करने के लिए चलते हैं हम लोग अपने पीसी की स्क्रीन पर। ओके, तो मैं चुका डेस्कटॉप पे। यहाँ पर मैंने स्मार्ट गागा का फोल्डर ना के यहाँ पर सारी फाइल रख ली जो भी हम लोग इस वीडियो में यूज करेंगे। तो स्मार्ट गागा 1.1 लाइट है, जो सिर्फ ये सेटअप फाइल है, इसके अंदर आपको कुछ भी प्री इंस्टॉल नहीं मिलेगा। और यहाँ पर जो दूसरा स्मार्ट गागा है, इसके अंदर आपको फ्री फायर प्री इंस्टॉल मिलेगी, फेसबुक की APK भी मिल जाएगी और गूगल क्रोम की भी APK मिल जाएगी। तो आप चाहो तो इन दोनों में से किसी भी वर्जन को यूज़ कर सकते हो। मैं इस वर्जन को यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको ओपन करने में इस तरह का मिलेगा, तो यहाँ पर क्रेडिट मिल जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको ये रिक्वायरमेंट वगैरह मिल जाती है। यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट लोकेशन ड्राइव है जो डेस्कटॉप की मिलेगी, तो यहाँ पर आप चाहो तो लोकेशन ब्राउज वाले बटन पर क्लिक करके चेंज भी कर सकते हो। ओके करने के बाद एक्सट्रैक्ट वाले बटन पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका एमुलेटर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब तक यहाँ पर ये एमुलेटर इंस्टॉल हो रहा है, आपने एक सिंपली करना क्या, आपने इस वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छी लगे तो, और चैनल पे नहीं आ रहे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको एमुलेटर्स के रिलेटेड वीडियो देखने को मिले। और ये वीडियो भी कमेंट के ऊपर थी, आप चाहो तो कमेंट करके बता सकते हो आपको किस एमुलेटर पर वीडियो चाहिए, मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट के ऊपर वीडियो लाऊँ। ओके, तो यहाँ पर हमारा एमुलेटर बस कम्प्लीट होने ही वाला है। जैसे ही एमुलेटर कंप्लीट हो जाए, यहाँ पर आपने उस लोकेशन में जाना है जहाँ पर आपने एमुलेटर को इंस्टॉल किया है। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर लॉन्चर और प्रोजेक्ट टाइटन दोनों का शॉर्टकट मिल जाता है। आप किसी का भी लॉन्चर फाइल का डेस्कटॉप पे शॉर्टकट निकाल सकते हो। उसके बाद आपने इसको रिनेम कर देना। अभी बारी है यहाँ पर कंपैटिबिलिटी सेटिंग की। उसके लिए यहाँ पर जाना है लॉन्चर की प्रॉपर्टीज़ में। यहाँ पर आपने जाना कंपैटिबिलिटी में, डिसेबल फुल स्क्रीन ऑप्टिमाइजेशन को टिक करना है। आप चाहो तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर को भी टिक रख सकते हो, लेकिन मैं नहीं रखता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जाना है चेंज हाई DPI वाले बटन पर। यहाँ पर आप चाहो तो एप्लीकेशन को चूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं इसको भी नहीं चूज़ करता हूँ, तो सिंपली कैंसिल करके इसको आपने यहाँ पर अप्लाई करके ओके कर देना है। और अभी बारी है ग्राफिक सेटिंग की। उसके लिए यहाँ पर जाना है ओपन फाइल लोकेशन में, यहाँ पर आपने इस लोकेशन को कॉपी कर लेना है। यहाँ पर क्लोज करना है, यहाँ पर जाना है डिस्प्ले सेटिंग में, यहाँ पर ग्राफिक्स में जाना है और यहाँ पर आपने ब्राउज वाले बटन पर क्लिक करके यहाँ पर अपनी लोकेशन को पेस्ट करके एंटर कर। यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट आइटम मिलेगा, यहाँ पर ऐड करना है। यहाँ पर आपने ऑप्शन में जाना है, यहाँ पर हाई परफॉर्मेंस पे चूज करके यहाँ पर सेव कर देना है। तो यहाँ पर आपने क्लोज करना है। अभी आपका एमुलेटर सेटअप हो चुका है, तो सिंपली एमुलेटर को लॉन्च कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका एमुलेटर लॉन्च होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दोनों को टिक करके अलाउ एक्सेस कर देना। ये रहा आपके एमुलेटर का इंटरफेस। यहाँ पर सबसे पहले फेसबुक को लॉगिन करने के लिए आप इन दोनों का यूज़ कर सकते हो। अगर आपका गूगल अकाउंट है, यहाँ पर सेटिंग में जाने के बाद थोड़ा नीचे आना है, यहाँ पर ऐड अकाउंट वाले बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर गूगल पे सिलेक्ट करना है, एग्जिस्टिंग पर क्लिक करके ईमेल पासवर्ड दे के अपने अकाउंट को यहाँ पर लॉगिन कर सकते हो। कट करने के बाद यहाँ पर अगर आपका फेसबुक अकाउंट है तो आपने यहाँ पर या फेसबुक की APK को यूज़ करना है या फिर क्रोम का यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्रोम का यूज़ करता हूँ, तो मैं यहाँ पर ऐप्स में जाके यहाँ पर फेसबुक की APK को इंस्टॉल करने वाला हूँ। उसके बाद कट कर देना और यहाँ पर आपका एमुलेटर रेडी है। तो सिंपली अपनी रिवर को ओपन कर देना है। यहाँ पर गरीना का लोगो देखने को मिलेगा, यहाँ पर मैं वीडियो को स्किप नहीं करने वाला बिल्कुल भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लोडिंग स्क्रीन पे आपको यहाँ पर इस तरह स्टक सी मिलेगी, तो आपने वेट करना है बस। यहाँ पर देख सकते हो मैं वेट ही कर रहा हूँ और यहाँ पर लॉगिन स्क्रीन आ जाएगी। तो यहाँ पर सिंपली आपने वेट करना है, जैसे ही लॉगिन स्क्रीन आएगी मोर पे क्लिक करके गूगल अकाउंट लॉगिन कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर फेसबुक भी लॉगिन कर सकते हो। तो यहाँ पर फेसबुक पे क्लिक करने के बाद ईमेल पासवर्ड देके यहाँ पर अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना। और यहाँ पर देखो मैंने अपना मेन अकाउंट लॉगिन किया है और यहाँ पर आपको देखो मैं कोई भी स्किप नहीं करके दिखा रहा, तो यहाँ पर लोबी लैग स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर म्यूजिक सुनोगे तो पता चलेगा।
तो गाइस यहाँ पर हमारा जब तक म्यूजिक यहाँ पर लैग कर रहा है तब तक यहाँ पर हमारी फ्री फायर भी लैग करेगी। तो जैसे ही यहाँ पर म्यूजिक फिक्स हो जाएगा तो यहाँ पर लॉबी लैग भी फिक्स हो जाएगा। तो जैसे उसके बाद फिक्स हो जाए अपनी सेटिंग यहाँ पर डाउनलोड करो, बाकी जो भी सेटिंग करनी है वो कर सकते हो। उसके बाद आप सिंपली यहाँ पर डिस्प्ले में आके स्मूथ ग्राफिक्स पे हाई एफपीएस एनेबल कर सकते हो। और यहाँ पर मैं अपनी सेंसिटिविटी भी दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो सब 100 पे है। अब यहाँ पर देख सकते हो हमारा यहाँ पर लॉबी लैग भी काफ़ी कम हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर मैं ट्रेनिंग ग्राउंड और लॉन वॉल्स भी डाउनलोड करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आपको एफपीएस में या फिर स्टक वाली प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो यहाँ पर मैंने ट्रेनिंग ग्राउंड को स्टार्ट कर दिया और ट्रेनिंग ग्राउंड को स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो स्टक नहीं हुआ है। बस वेट करोगे तो आपकी फ्री फायर यहाँ पर ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाएगी। और हमेशा की तरह यहाँ पर ट्रेनिंग ग्राउंड स्टार्ट होने के बाद यहाँ पर एफपीएस एनेबल कर दिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 60 एफपीएस आराम से आ रहे थे और यहाँ पर इस एमुलेटर की सेंसिटिविटी इतनी ज्यादा स्मूथ थी कि काफी अच्छे से मूवमेंट हो रही थी। और इतना ही नहीं यहाँ पर इस एमुलेटर में हेडशॉट की भी कोई दिक्कत नहीं आती है। यहाँ पर मैं गन बाय करके दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो हेडशॉट तो काफी अच्छे लगते हैं इस एमुलेटर में। आप चाहो तो इस एमुलेटर को परमानेंट यूज कर सकते हो अगर आपके पास एक लो एंड पीसी है। यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत गेम प्ले भी करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हो काफी अच्छे से गेम प्ले हुआ है। तो सिंपली यहाँ पर इसको एग्जिट कर दे। एग्जिट करने के बाद यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं लॉबी पे। तो यहाँ पर हमारा थोड़ा बहुत लॉबी का लैग तो होगा ही और इसमें ज्यादा नहीं मिलता, बस बहुत कम लॉबी लैग देखने को मिलता है। इस एमुलेटर में आपको काफी अच्छे एफपीएस मिलते हैं, हेडशॉट भी ठीक ठाक लग जाता, लो एंड पीसी के लिए बेस्ट वर्जन है। और इस एमुलेटर के अंदर फ्री फायर प्री इंस्टॉल मिल जाती है, इसी वजह से अब तक न्यू अपडेट नहीं आती है। तो आप इस एमुलेटर के अंदर फ्री फायर की ओबी 44 को खेल सकते हो। और जब भी आपको 44 के बाद 45 की अपडेट चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं वीडियो ले आऊंगा। तो आई होप आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर से करना, चैनल पे नए आ रहे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको किसी भी एमुलेटर पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि ये भी एक भाई ने कमेंट किया था तो मैं वीडियो ले आया हूँ, आप भी कमेंट कर देना। हो सकता है अगली वीडियो आपके कमेंट के ऊपर भी ले आऊंगा। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।